बता दें कि भाजपा महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल के पीएसओ और निजी सचिव विभांशु वशिष्ठ के पिता राकेश वशिष्ठ को दो दिन पहले कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। बागपत रोड स्थित साबुन गोदाम निवासी राकेश वशिष्ठ को संक्रमण की पुष्टि होने के बाद मेडिकल कॉलेज के कोरोना वार्ड में भर्ती कराया गया था। इसके बाद हुई जांच में उनके दोनों बेटे भी कोरोना संक्रमित पाए गए। तभी से भाजपा महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल और तमाम भाजपा नेता घरों में ही क्वारंटाइन हो गए थे। आशंका जताई गई थी कि भाजपा अध्यक्ष के करीबी की वजह से पार्टी के कई अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी कोरोना संक्रमण हो सकता है। खुद मेडिकल के प्रधानाचार्य ने ऐसे 300 लोगों की लिस्ट तैयार की थी, जिनमें भाजपा नेता, कार्यकर्ता और उनसे जुड़े लोग इस दौरान संक्रमण पीड़ित महानगर अध्यक्ष के करीब के संपर्क में आए थे। हालांकि बुधवार दोपहर आई रिपोर्ट में महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें परिवार सहित BIT कॉलेज में क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया था। इसी बीच गुरुवार रात खबर आई कि महानगर अध्यक्ष के करीबी विभांशु वशिष्ठ के पिता राकेश वशिष्ठ की मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। बताया जाता है कि उनकी हालत लगातार खराब बनी हुई थी। मेडिकल में भर्ती होने से पहले भी वह दो दिन निजी अस्पताल में भर्ती रहे थे। आशंका जताई जा रही है कि उन्हें कोरोना संक्रमण अपने बेटे से ही हुआ था। वहीं उनकी मौत की खबर फैलते ही भाजपा नेताओं में हड़कंप मच गया। अभी कई नेताओं की जांच होनी बाकी है, जबकि कई लोगों की जांच रिपोर्ट अभी आएगी। वहीं एक और अन्य व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने का पता चला, जिसके बाद जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 86 तक पहुंच गया है। भाजपा महानगर अध्यक्ष के PSO के पिता की मौत के बाद भाजपा महानगर अध्यक्ष को परिवार सहित हस्तिनापुर में क्वारंटाइन कर दिया गया है। मेरठ से संवाददाता शुभम शर्मा की रिपोर्ट। आज की क्या रिपोर्ट है कोरोना को लेकर? आज हमने करीब 280 सैंपल जो है हमारे जांचे गए हैं जनपद मेरठ के, उनमें से एक जो है कोरोना पॉजिटिव आया है। 4 सैंपल की रिपोर्ट अभी पेंडिंग है, जो कल पता लगेगी। सर, कोई कनाडा से पेशेंट है कोई? नहीं, कनाडा से पेशेंट नहीं है। कनाडा से एक पेशेंट हमारे पूर्व में पॉजिटिव आए थे, उनके कॉन्टेक्ट हैं ये जो पॉजिटिव आए हैं। सर, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष के जो ड्राइवर हैं, उनके फादर की क्या रिपोर्ट है सर? आज जो हमारे कल जो है पॉजिटिव केस आए थे एक साबुन गोदाम से, उनकी अभी मेडिकल कॉलेज से पता लगाया कि मृत्यु हो गई है। वो डायबिटीज से पीड़ित थे, करीब एक महीने से बुखार था उनको और कल से और ज़्यादा दिक्कत उनको हो रही थी, उनकी मृत्यु हो गई है। तो कहना है पॉजिटिव आया था क्या? हाँ, ये कोरोना पॉजिटिव थे और इनके दो बेटे भी पॉजिटिव हैं, वो भर्ती हैं। सर, कितने सैंपल पेंडिंग है अभी? आज हमने करीब 236 सैंपल हमने और भेजे हैं, वो पेंडिंग है, और करीब 200 के आसपास हमारे, और 400 के आसपास सैंपल हमारे पेंडिंग है।